नहीं ये चिकन नहीं, पहचानो क्या है? क्या है? तुम तो कह रही थी बदबू आ रही है। सोचो क्या है? पता नहीं। ये इधर आओ, ये रही मेरे पास गोभी, ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे। ये देखो बनते हुए चिकन चिकन लग रही ना इसका, अब वो फ्राइड थी। अब इसका एक चख के देखते हैं, टेस्टी है। तुम देखो, मैं तुम्हें देखा, अभी पकड़ो मेरे। नहीं नहीं मैं तुम्हें दिखाऊंगी खाते पे। ये देखें, दस दो ये चखो। केचप के साथ ज्यादा मजा आएगा। हाँ नहीं, केचप के साथ ही खाएंगे, लेकिन लग रहा है ना कुछ चिकन की डिफरेंट चीज है। हाथ हट ही नहीं रहा। अच्छा, हाथ नहीं हट रहा, टेस्टी है ना। यानी ये देखें, ये मैंने कॉर्नफ्लावर के अंदर डाला। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ना वो लिख दूँगी, और बल्कि जब ये वीडियो चलेगी ना तो फिर मैं इसके साइड्स पे ये दे दूँगी। ये सही है। अच्छा, आज हो रही है इस्लामाबाद में बारिश, और बहुत ज़बरदस्त किस्म से बारिश हो रही है आवाज़ोया, और इतनी 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 मतलब ठंड बढ़ गई है, इतनी ठंड बढ़ गई है। इधर है, हम लोग ना इधर यूँ करते रहते हैं तो इतनी ठंड बढ़ गई है, यकीन माने। तो मैंने सोचा कि आज हम बनाते हैं कोई पकोड़े, लेकिन पकोड़े मैं खा नहीं सकती थी, तो रिजवान की भी कुछ तबीयत ख़राब थी, उसको रिजवान को साइनस हुआ है। मैंने क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा कि गोभी घर में पड़ी हुई है तो रात में लाइट खाना हो जाएगा, तो हम वो काम करते हैं। तो अब मज़ा आया ना वैसे खा के? तुम तो बस यूँ ही हो, नीचे ऊपर होती रहो किसी तरह, बस अम्मा से लंबी हो जाऊँ मैं। तो इस वक्त हम बना रहे हैं गोभी के पकोड़े, समझ लो, या फिर इसको समझ लो गोभी वाला ब्रोस्ट। ये ज़्यादा गोभी वाला ब्रोस्ट हो गया, ये कर लेते हैं। हाँ तो कहो, मेरी आवाज़ कहाँ जाएगी? हाँ क्या मम्मा, क्या हो रहा है? हैं क्या कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? ये जब मैं गंद करती हूँ ना, हम लोग बड़े मज़े से खाने बना रहे होते हैं। आपने पहले की क्या जरूरत है? आप करेंगी? गंद आर्ट होता है। अरे हाय, तुम जैसे अपना कमरा साफ नहीं करती ना तो गंद आर्ट हो रहा है। गंद करना भी एक टैलेंट होता है। अरे हाय, गंद करना टैलेंट होता है? कितना बड़ा टैलेंट है ये? दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन। आसान तरीन काम नहीं, मुश्किल आसान है। नहीं तो दुनिया का मुश्किल मुश्किल तरीन काम। हाँ, लेकिन साफ सुथरे आदमी के लिए मुश्किल तरीन काम है ना गंद करना। यार सबसे आसान तरीन होता है गंद करना, उसको समेटना मुश्किल तरीन काम होता। अरे मैं बोल रही हूँ कि साफ सुथरे आदमी के लिए गंद करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। साफ सुथरे रहते चार चार दिन तो यार नहाते नहीं है। मैं चार दिन हम जो है नहाते नहीं है, तो सोचो फिर बोलो। सोचने वाली बात है ना, बदबू आ रही होती है। उसमें मैं नहा के निकली हुई है, कैप लगाई हुई मैंने, और मैं अब इधर आ गई गरम गरम उसके पास ना कि मैं जरा खिला। अच्छा खुद नहीं खाना मैंने, मुझे पता है इसकी जो वापसी बड़ी खतरनाक किस्म की होती है। मैंने इसको नहीं खाना, देना सिर्फ रिजवान को है। आज हम रिजवान को अलग कमरे में सुला दें? क्यों ना यार, तुम लोगों को अलग बाबा ना। खाली तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखो, अच्छा मुझे मजेदार पता क्या आता है, बाबा इसको जला देते ना, मैं देखो कैसे डालती हूँ, मजा आता मेरे करने में। ये डालो
इसके बाद कर यहीं पर चलिए खुल। ये जो मज़ा आ रहा है ना, ये मुझे सेटिस्फाइंग वीडियो लगती है ना, छोटी छोटी चीज़ें भली भली हो गई। ऐसा लगता है हम लोग ना वो हम लोग मूवी देखने के वो पहिया चला बच्चे बड़े हो। आवाज़ें देखो इसकी। तो हमने दो डिशें बनाई रात में क्योंकि हमारे साथ आज दिल नहीं चाह रहा, बारिश में कड़कड़ करने का दिल चाह रहा है हमारा, कचड़ कचड़ खाने का। देखो कचड़ कचड़ कैसे आवाज़ आती है, कचड़ कचड़ आवाज़ है। पता है मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे चाचा मुझे कहते हैं कि तुम ना दरवाज़ा बंद करती हो। मेरे जो चाचा है ना वो मुझे ज़्यादा कहते हैं जब तुम दरवाज़ा बंद करती हो तो तुम मुझसे बोलती हो कि मैं बंद दरवाज़ा करके आई हूँ, ढस। मैंने दरवाज़ा खोला, ढस। और अब मैंने क्रैकर बनाए, कचड़ कचड़। ये आवाज़ें मैं निकालती हूँ मुझे। ये ज़रा देखो इनमें, अब हमने थोड़ा सा टेस्ट पैदा करना है तो हम चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा इसको, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। ज़रा कहाँ गया चाट मसाला, जल्दी से बताओ। अंदर। शुक्र है बड़ा बच्चा हो गया। पहले कहती थी बचपन में ये मम्मा किधर गायब हो गया, मम्मा ठीक का दल का यार। अच्छा इसके ऊपर भी हमने ऐसे ऐसे ही करना। आज मैं सोच रही हूँ अपनी सारी बहनों के मुंह पे ना पानी डलवा दूँ। ये तो मेरी मेन डिश। अच्छा रिजवान इसको खा के बताओ ये कैसी है, कितना टेस्ट है। वो नहीं लगा, मैंने सोचा कि चिकन कम खाते हैं ना ब्रोस्ट, तो मैंने कॉर्नफ्लावर के अंदर ना ये डाल के और इस तरह बनाया है। बहुत अच्छा है, दिल रखने के लिए बोलो रियली अच्छा है। शक्ल देखो ब्रोस लग रहा है ना। चले अभी रेसिपी कामयाब हो गई। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है और इसको आप लोग ट्राई करें घर के अंदर, और ट्राई करने के बाद मुझे बताना है आप लोगों ने कि ये मेरी कैसे लगी आप लोगों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।